बागपत में सभासद चुनाव को लेकर हुई खूनी संघर्ष में एक की मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भिजवा दिया है। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए एसपी बागपत अर्पित विजयवर्गीय भी मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया। एसपी ने पीड़ित परिजनों से बात कर घटना के बारे में जानकारी ली। फिलहाल पुलिस पूरी घटना की तफ्तीश में जुट गई है। घटना छपरौली थाना क्षेत्र के कस्बे की बताई जा रही है, जहां नगर पंचायत के वार्ड 12 से जीते प्रत्याशी अमित पक्ष पर हारे हुए प्रत्याशी प्रभात पक्ष ने हमला बोल दिया, जिसमें गजेंद्र नाम के शख्स पर धारदार हथियार तलवार से हमला बोल दिया, जिससे विजेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अश्वनी और भूदेव घायल हो गए, जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है। पीड़ित पक्ष के युवक ने बताया कि सभासद के चुनाव में हुई हार जीत को लेकर बीती रात हारे हुए मेंबर पक्ष के लोगों ने जीते हुए मेंबर पक्ष के लोगों पर हमला बोल दिया, तलवार और धारदार हथियार से हमला करते हुए कई लोगों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं छपरौली पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और जो इसमें आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है और जल्दी गिरफ्तारी की पुलिस बात कह रही है। छपरौली से कुलदीप सिंह। फिर दिनेश का लड़का आया मानविंदर, उसने भी मुझे बहुत बद्दी बद्दी गाली दी, जो मैं मीडिया के सामने बता भी नहीं सकता पूरी तरह से। ठीक है, मैं वहाँ से आ गया सीधा थाने में, मेरे साथ दो चार लोग और आ गए, हमने अपनी रिपोर्ट शिपोर्ट लिखवाई, ये हुआ। इतने में फिर ये वार्ड 12 से मेंबर है, इनके घर कुवाड़ तोड़ी, इनके घर पर हमला कर, फिर मारा। छोटा भाई था भूदेव स्वरूप बीरसेन, उसका फ़ोन आ गया, उसके भी लट मारी। फिर मेरे साथ जो थे गजेंद्र था और मिंटू अश्वनी था और जी ध्रु था, अनुज मेंबर था पूर्व, ये सारे भाग लिए, माकन था, ये सारे भाग लिए, फिर जाके इन पर हमला गया। वे तैयारी में थी। कितने लोग घायल हो गए, क्या कोई मृत्यु हुई है? क्या मृत्यु हुई है जी? गजेंद्र स्नोप वीर सिंह, उसको तलवार से काटा गया सारा, दो घायल हैं, अश्वनी स्नोप सतपाल घायल है, भूदेव स्नोप वीरसेन घायल है और छोटी मोटी चोट मेरे भी। वजह क्या रही झगड़े की? सर वजह तो ये थी, वो एक पार्टी वो है, एक हमें 12 वार्ड से मेमोरी का लक्षण लड़ा, हम जीत गए, ये बच्चा मेंबर वो हार गया। कौन थे, कौन हारा था, कौन जीतता करने के ये हम अमित सनोफ बालकिशन का लड़का मेंबर जीत्या, पर बात सुनो मोनू उसके सामने हारे, तो हारने वालों ने हमला कर दिया, हारने वालों ने हमला कर दिया। कल देर रात थाना छपरौली क्षेत्र के पट्टी चौधरान में दो पड़ोसियों के बीच में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जिसमें एक पक्ष के तीन लोगों को चोटें लगी, उनको घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां दौरान उपचार एक व्यक्ति जिसका नाम गजेंद्र पुत्र वीरसेन है, उसकी मृत्यु हो गई। सब को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया है। परिजनों की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। थैंक यू।